हमारा शुरुआत कल वाला तो आपने बोला था कि हाँ ठीक है, उसको तो कन्वर्ट कर देना है अपन को, वो उसका 6 लाख की जगह 5 लाख का कर देना है, तो वो कल वाले का तो हम उसके हिसाब से कर देंगे, तो यस वो सर, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज उसका पॉलिसी, हाँ तो वो मैंने विनीता को लिख के भेज दिया था कि उसका पॉलिसी नंबर इस हिसाब से लगा देंगे। तो राइट सर। इसके अलावा क्या हम किसी और को कॉन्टेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, किसी और से हम बातचीत कर पा रहे हैं, किसी को डिस्कस इंश्योरेंस के लिए कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? सर मैंने कल भी एक दो को कॉल किया था जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में है, ठीक है, जी और जी वो वाला फॉर्मूला मुझे याद आ गया कि फर्स्ट इंस्टेंस में सीधा पॉलिसी की बात नहीं करनी है, ठीक है। तो एक्चुअली वार्मिंग अप में टाइम लगता है ना, हाँ ये चीज है सर, तो हाँ वार्मिंग अप में टाइम लगता है। हाँ तो कल मैंने मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन वैसे बात बात करी है एक दो जनों से, ठीक है। अब जी नेक्स्ट जी टाइम फिर मैं उनसे बात करूंगा एक दो दिन बाद, तो लेट्स सी क्या। नहीं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिए इसमें। हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में पॉलिसी की बात कर सकते हैं, लेकिन पहला सेंटेंस क्या है कि देखो हमें ना क्या है कि आदमी को ना कंफर्टेबल लेकर आना है। अभी समझो आपने उनको मिला, तो अब आपने भाई स्टार्टिंग में तो आप थोड़ा सा पहला सेंटेंस, भाई अलग अलग पर्सन का अलग अलग एटीट्यूड होता है, अलग अलग मूड होता है। कई सारे लोग हैं, मैं उनसे फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर पहला सेंटेंस के अंदर ही पॉलिसी की बात कर लेता हूँ। कई सारे लोग हैं, अब जैसे ऑफिस के अंदर आए, अब वो समझो मेरे पास एक कुरियर डिलीवरी वाला आदमी आया, तो मैंने उसको बात किया। मैंने उसको क्या बात किया, वैसे आपका कैसा चल रहा है कुरियर का काम? हाँ अच्छा चल रहा है, बहुत मेहनत करते हो वैसे आप तो, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। अच्छा वो शक्ल सूरत से अच्छा आदमी, बट ऐसा लग रहा है कि वो पार्ट टाइम में कुरियर कर रहा है और कि और कहीं किसी न किसी कंपनी में जॉब कर रहा है। तो अभी उसको पूछा, तो वैसे आपको पता है LIC के अंदर आजकल 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो आदमी के अंदर ना क्यूरियोसिटी पैदा होती है। अब इस आदमी को मैंने पहला सेंटेंस के अंदर ही क्या बोला कि 20 लाख रुपए LIC के अंदर मिल रहे हैं, अब इसको आदमी को क्यूरियोसिटी पैदा हो गई, इसको लगा कि अच्छा कैसे, अब या तो ये पूछेगा कैसे, अदरवाइज इसने नहीं पूछा तो हमें क्या करना है, सिर्फ 100 रुपए रोज का भरना है। आप 100 रुपए रोज इतना सा भरो और आपको इतना सारा मिलेगा, आपको 20 लाख मिलेगा, 100 रुपए रोज भरो 20 लाख मिलेगा। तो ऐसा करके हमने उसको प्लान समझा दिया, फटाफट उसको समझ आ जाता है। राइट सर। हम डायरेक्टली, कई बार ऐसा होता है समझो हम किसी के पास गए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे रिलेटिव है, मैं उनके पास गया, उधर उनके घर पे उन्होंने डिनर पे बुलाया था। अब डिनर पे बुलाया था, पॉलिसी का तो कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, कोई बात ही नहीं हुई थी कि हाँ पॉलिसी हम कराएंगे कि नहीं कराएंगे। गलती कर ली उन्होंने, क्या किया देखो, नहीं मैं दूसरे शहर के अंदर था तो वो गाड़ी भेजा उनका SUV जो BMW है, बहुत ही शानदार BMW उन्होंने मेरे को भेजा, मेरे को पिकअप करने होटल में स्टे कर रहा था, तो उन्होंने मुझे पिक किया, घर गया। तो हम स्टार्टिंग के अंदर तो एप्रिसिएशन से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी ना, स्टार्टिंग से हम जाके ये तो नहीं बोल सकते पॉलिसी कर लो। तो मैंने एप्रिसिएशन से शुरुआत किया, हाँ जी आपका घर बहुत सुंदर है, अच्छा आपने सीनरी बहुत अच्छी लगाई है, अच्छा आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, अच्छा ये जो आपने एक्वेरियम लगा रखा है ये बहुत ही शानदार लगा रखा है, अच्छा ये डाइनिंग टेबल पर ये जो जिस तरीके से आपने ऑर्गेनाइज कर रखा है ये डाइनिंग टेबल बड़ा अट्रैक्टिव सा लग रहा है, अच्छा आपकी हॉबीज क्या है, दुनिया भर की इधर उधर की बात करने के बाद उसके बाद हमने बीच में एंटर कर दिया। ये आपको पता है ये सिंघानिया साहब जो हैं 17,000 करोड़ के मालिक हुआ करते थे, उनके बेटे ने उनको घर से निकाल दिया, तो आज की डेट में वो यहाँ पर पार्क की बेंच पे बैठे रहते हैं, कोई खाने को दे दे तो मिल जाए तो बेचारे खा लेते हैं, नहीं मिले तो बेचारे हालत बहुत ज्यादा खराब है। यदि इन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग किया होता तो आज की डेट के अंदर ये अच्छे से इनका चल रहा होता। अच्छा आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है, आप जब 60 की होंगे तो आपको हर महीने कितने रुपए का पेंशन आएगा, ये सारी की सारी बातें क्या है ना कि देखो इंश्योरेंस है डेलिकेट टॉपिक, आदमी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए, उसको बुरा ना लगे और हम उसको अपनी बात कन्वे कर सकें, उसी वो हमारी खासियत है। हम अनजान आदमी को मिलते, जैसे मनीष जी अनजान आदमी को मिले वो बातचीत कर रहे हैं, वो ठीक है, वो डायरेक्टली हम उसको शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ना वार्मिंग अप की जरूरत पड़ती है, इधर उधर की बातें करने की वार्मिंग अप की जरूरत पड़ती है। जी और कुछ आप बताना चाहेंगे गणेश जी?
दिनेश जी और कुछ आप बताना चाहेंगे? और कोई हमारे साथी? हमारे पास अजय कुमार मिश्रा जी हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग, अजय जी का स्वागत है, मनीष जी का स्वागत है आज। हाँ बताइए। आप कुछ कह रहे थे दिनेश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अजय जी, क्या हाल है आपके? ठीक है जी, आप सुनाइए जी। बढ़िया बढ़िया शानदार बढ़िया। बताइए सर, कल मोबाइल बंद था इस वजह से मैं आ नहीं पाया। अरे अरे अरे, अच्छा 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 अच्छा। तो हाँ, सुबह से लाइट चली गई थी और मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। अरे अरे, तो आपको एक इन्वर्टर लेने की जरूरत है, एक इन्वर्टर का इस्तेमाल इंतजाम करने की जरूरत है कि घर पर यदि लाइट चली भी जाए तब भी आपको बिजली का प्रॉब्लम ना आए। सर इन्वर्टर से तो सस्ता पड़ेगा पावर बैंक। क्या पड़ेगा सस्ता? पावर बैंक। पावर बैंक आप ले लीजिए, लेकिन पावर बैंक को भी चार्जिंग करने के लिए आपको बिजली की जरूरत पड़ेगी। तो इन्वर्टर है, मैं तो इन्वर्टर यूज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं हाँ कई साल पहले 14-15 साल पहले मैं इन्वर्टर यूज किया करता था। एक बार लगा के छोड़ दिया, उसके बाद बिजली का कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे घर में वो तब 4-5-6 दिनों के अंदर लग जाती थी, कभी 10-15-20 मिनट के लिए, लेकिन हमें उस 10-15-20 मिनट में कभी भी किसी तरह का भी प्रॉब्लम नहीं होता था। तो आप इसका इंतजाम करिए, कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए, चाहे वो जूम मीटिंग हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे कोई काम हो, आपका काम रुकना नहीं चाहिए। आप अपनी कोई एक्टिविटी के बारे में बताना चाहेंगे? जी, मेरी तैयारी चल रही है। इसके अलावा प्रिपरेशन, इसके अलावा तैयारी आपकी चल रही है? नहीं सर, इसके अलावा। हाँ, अच्छी बात, बढ़िया। अच्छे से आप मन लगा के तैयारी करिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम है, और ये वाला जो एग्जाम है जिंदगी भर, इसके अंदर जो भी चीज एग्जाम के अंदर आती है वो जिंदगी सारी की सारी बातें काम आती रहती है जी। और तो साथ ही हमारे हमारे पास दीपक सिन्हा भी हैं। गुड मॉर्निंग रविराज किशोर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। साथ ही हमारे गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हाल चले आपके जी? तो कुछ बताना चाहेंगे? आपका कोई एक्टिविटी का आप शेयरिंग करना चाहेंगे? आप किसको किसको मिले, किसको किसको फोन कॉल किया, किसको किसको आपने व्हाट्सएप पर इंश्योरेंस के बारे में कुछ भेजा, कोई पॉलिसी बेचने का कोशिश किया आपने, और कोई भी एक्टिविटी? मुकेश जी हमारे पास है, मुकेश जी गुड मॉर्निंग। तो कोई भी एक्टिविटी आप अपना शेयरिंग करना चाहेंगे, कोई भी साथी? या तो आपका इच्छा हुआ कि हाँ मैं करूं, कुछ करूं, या क्या होता है कि दुनिया में ना दो तरह के काम होते हैं। एक तो होते हैं कंपल्शन वाले। कंपल्शन वाले का मतलब होता है जैसे नौकरी पर जाना है, तो नौकरी पर जाने वाले काम होता है कंपल्शन, स्कूल जाना, नौकरी जाना, कॉलेज जाना, शोरूम जाना, दुकान जाना, ऑफिस जाना, फैक्ट्री जाना, कारखाने जाना, कहीं भी जाना, ये सब होते हैं कंपल्शन वाले काम। ये वाले काम जो होते हैं, ये वाले सारे के सारे काम हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है, मान लो 9 बजे का टाइम है, 8:30 का टाइम है, 8 बजे का टाइम है, 10 बजे का टाइम, जो भी टाइम है, हम उतने बजे निकल जाते हैं, उतने बजे पहुंच जाते हैं, उतने बजे काम शुरू हो जाता है। इंश्योरेंस एजेंसी के अंदर एक बहुत ही खतरनाक, एक खतरनाक इंग्रेडिएंट है। उस खतरनाक इंग्रेडिएंट को बोलते हैं क्या बोलते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन। अब ये सेल्फ डिसिप्लिन एक बहुत ही खतरनाक चीज है। अब सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर हमने ऐसा कुछ कर लिया कि हाँ रोजाना हम इतने बजे शुरू करेंगे तो हो जाता है, अब नहीं डिसीजन लिया तो बेचारा अटक जाता है। तो इसके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। समझो हम एक आदमी को रोजाना मिलते हैं, साल में 365 लोगों को मिल सकते हैं, हफ्ते में मान लो हम डिसाइड करते हैं कि हम 6 लोगों को मिलेंगे, महीने में 25 मीटिंग्स हो जाती है। 25 मीटिंग्स में 1-2 या 3, तो आप में से कोई और साथी बताना चाहेंगे कुछ अपनी एक्टिविटीज के बारे में? अदरवाइज हम शुरुआत करते हैं अपना आगे का, हमारा जो आज का टॉपिक्स है, हमारा जो आज का 2 नंबर टॉपिक है, दैट इज गणेश जूसर। आपने कुछ एक साथियों ने यहाँ पर ट्रॉफी ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है, तो गणेश का जूसर आया हुआ है। एक आपको गणेश का जूसर मिलेगा, ये जूसर का इन्होंने कॉम्पिटिशन निकाला है, 27 से लेकर ऑलरेडी आप इसको देख चुके हैं, देख के आपने इसके बारे में पता लगा था गणेश का जूसर आया हुआ है। जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है उनके लिए गणेश जूसर है 4 पॉलिसीज पर, और जिन्होंने ट्रॉफी क्वालिफाई नहीं किया है उनके लिए 4 पॉलिसी पर ट्रॉफी है। जो अशोक स्तंभ वाला, जो रिपब्लिक डे वाला जो ट्रॉफी था वो वाला रहेगा 9 पॉलिसी पर, साथ में गणेश जूसर रहेगा, साथ में टाइटन का, सोनाटा का रिस्ट वॉच रहेगा 9 पॉलिसी।
ये वाला जो आपके लिए अवेलेबल है 27 से 31 तक, 27 तारीख यानी कि आज, 31 तक ये चलेगा, आप इसका फायदा ले सकते हैं। तो इसका फायदा लेने के लिए मुझे लगता है कि जो हम कॉम्बिनेशन का यदि हम सेल हम कॉम्बिनेशन का यदि कोशिश करें तो कॉम्बिनेशन एक आसान तरीका है कॉम्पिटिशन से। आपको क्या हो रहा है डिवीजन की तरफ से भी नंबर ऑफ पॉलिसीज को नंबर ऑफ पॉलिसीज का यदि हम कोशिश करें तो हमारे साथ कॉम्पिटिशन आसानी से हो सकते हैं। हमारे पास मैं आपको एग्जाम्पल कॉपी, आप हरिराम जी कुछ बोलना चाहते हैं? हरिराम जी को बधाई, अभी मेरे को तकरीबन पौना घंटा पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने अभी पौना घंटा पहले मुझे फोन करके बताया आपका 1-2 लाख का जीवन आपका पॉलिसी बिक चुका है, आज आप उसको ऑफिस में देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, आपको सीएलई के बारे में पता लगा तो अच्छा लगा, वेरी गुड। तो हरिराम जी आपको बताना चाहेंगे आपने ये शेयर कैसे किया, कैसे आपका बातचीत हुआ, कुछ आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? अच्छा है आपको कुछ बताने का। मुझे लगता है कि आपके यहाँ से ना शोर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो माइक अपना यदि आप बंद कर लें, म्यूट कर लें, शायद शोर आना नहीं हो जाए। मैंने खुद ही म्यूट कर दिया है। ओके, तो हमारे पास वीरेंद्र शर्मा जी हैं। वीरेंद्र शर्मा जी नमस्कार। शर्मा जी जो हैं, शर्मा जी कुछ बताना चाहेंगे अपना एक्टिविटीज के बारे में तो अच्छा लगेगा। हमारी जो भी एक्टिविटी है, हम लोग जो एक्टिविटी सुबह से लेकर शाम तक करते हैं उसी पर निर्भर करता है कि हमारा पॉलिसी बिकेगा या नहीं बिकेगा, या तो कितना बिकेगा या तो कब बिकेगा। हमारे पास क्या होता है कि एजेंसी के अंदर, क्योंकि हमारा कोई रेगुलरिटी वाला सिस्टम तो है नहीं, ज्यादातर एजेंट्स का रेगुलरिटी का सिस्टम नहीं होता है, तो रेगुलरिटी का सिस्टम नहीं होने से उसका बहुत बड़ा नुकसान क्या होता है, आज हम बिल्कुल मोटिवेट हुए, आज हम मीटिंग में आए, कोई बुक पढ़ा, कोई वीडियो देखा, कोई किसी से हमारा मीटिंग हुआ, कोई बातचीत हुआ, हम मोटिवेट हो गए, कोई नया कॉम्पिटिशन आ गया, कुछ भी हो गया, हमने 2-4 6 बड़ा धुआंधार तरीके से मेहनत किया। अभी उसके बाद क्या होता है, वो गुब्बारे में से हवा निकल जाती है, फिर हमारा लंबा गैप हो जाता है, उसके बाद सेल नहीं होता है। जितने भी टॉप एजेंट्स हैं वो सारे के सारे रेगुलरिटी वाले होते हैं, वो डेली कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, भले ही एक मीटिंग रोजाना करें लेकिन रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि उनका पॉलिसी बिकता रहता है। तो दूसरा है 4 पॉलिसीज पर इसको आप क्वालिफाई करें। और हमारा 3 नंबर पॉइंट आज का है रिपब्लिक ट्रॉफी विद एसडीएम ऑनलाइन। तो सबसे पहले मदन राय जी को बधाई, मदन राय जी ने हमारी टीम में क्वालिफाई किया है, अभी वो मीटिंग में नहीं है, उन्होंने बताया था कि सुबह ये वाला जो समय है उस समय वो कल अवेलेबल नहीं है, मेरी उनसे कल बात हुई थी, तो अवेलेबिलिटी नहीं है लेकिन उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। अब क्वालिफाई किया कैसे आप जानना चाहेंगे, उन्होंने ये 6 पॉलिसीज वाला क्वालिफाई कैसे किया? एसडीएम ऑनरिंग विद सोनाटा, एसडीएम ऑनरिंग विद ट्रॉफी, तो इन्होंने क्वालिफाई कैसे किया मदन भाई जी ने? एक ही चेक नहीं लिया उन्होंने कस्टमर से, उन्होंने ड्राफ्ट ले लिया, कस्टमर को बोला मेरे को बैंक ड्राफ्ट चाहिए पता नहीं शायद हो सकता है उनको डाउट लगा होगा कि यार इसका चेक पास होगा कि नहीं होगा, तो उन्होंने उसको बोला भाई बैंक ड्राफ्ट दे दो मेरे को, उन्होंने 18,000 रुपए का एक बैंक ड्राफ्ट ले लिया। सो आप जानना चाहेंगे कि एक ही चेक में, एक ही ड्राफ्ट के अंदर उनका 6 पॉलिसी कैसे क्वालिफाई हुआ? यस सर, बताइए जी। जी, तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने वो 18,000 का चेक ले लिया। अब कॉन्सेप्ट उन्होंने चाहे जो भी बताया, उन्होंने विनीता को भिजवा दिया, भाई विनीता इसमें से 6 पॉलिसी बनाओ, तो मेरे को 6 पॉलिसी वाला एसडीएम वाला ट्रॉफी क्वालीफाई करना है। हाँ जी, विनीता ने उसका 6 पॉलिसी बना डाला, 914 प्लान का 6 पॉलिसी बना डाला, कस्टमर को 6 बार पैसा मिलेगा, कस्टमर को इसके बारे में बात किया गया, सर इस तरीके से हम बना रहे हैं, कस्टमर ने कहा ठीक है अच्छा है, कस्टमर को अच्छा लगा, जो एजेंट है मदन राय जी उनको भी अच्छा लगा, बना डाला, उनका ट्रॉफी भी क्वालिफाई हो गया। इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। विन विन सिचुएशन किसको बोलते हैं, कि ऐसा काम जिससे सबको अच्छा लगे, कस्टमर को भी अच्छा लगा, जो एजेंट है मदन राय जी उनको भी अच्छा लगा, सभी को अच्छा लगा, ट्रॉफी क्वालिफाई हो गया, सभी को अच्छा लगा। तो मदन जी को बधाई। कल मैंने डाटा डाउनलोड किया, जो हमारा डीओ पोर्टल है, जो ब्लिट्स है, जो ऐप है, तो हमारा ये सब काम हो जाता है। तो आप में से जिन जिन साथियों के पॉलिसी नंबर लगे हैं अभी यहाँ पर मीटिंग में, जैसे हमारे पास अवेलेबल है मनीष जी, तो मैंने कल भी इनको पीडीएफ भेजा था, जिन लोगों के पॉलिसी नंबर्स लगे हैं
लगे हैं का मतलब है परसों लगे थे, परसों हमारा क्योंकि 25 तारीख थी आखिरी दिन था क्लोजर का, ये वाला जो कंपटीशन है उसका आखिरी दिन था, तो परसों जितने भी पॉलिसी नंबर लगे थे उनका पीडीएफ बना के मैंने कल दे दिया था। इसके अलावा हमारे राजेंद्र जी हैं, 5 पॉलिसी हुई है, 6ठा पॉलिसी उनका अभी आज नंबरिंग के लिए तैयार रखा है। मनीष जी को भी बधाई क्योंकि 5 पॉलिसी के नंबर उनके लग गए थे और 6ठा पॉलिसी नंबर मुझे लगता है कि आज सुबह 10 बजे दफ्तर खुलेगा तो इनका 6ठा पॉलिसी नंबर लग जाएगा, ये भी एसडीए मॉनिटरिंग के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। हमारे पास ट्रॉफी क्वालिफायर नरेंद्र पाल जी 3 पॉलिसी, कपिल खुराना 3 पॉलिसी, किशन लाल 3 पॉलिसी, मंजू पॉलिसी, पीके त्यागी 3 पॉलिसी, नवीन जैन 3 पॉलिसी, वीरेंद्र शर्मा जी, शर्मा जी अभी मीटिंग में है, शर्मा जी को बधाई, शर्मा जी आपका भी 3 पॉलिसी आपने कर लिया है और आप जो अगली वाला कंपटीशन है 4 पॉलिसी पे जो गणित दूसरे उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। विकास गोयल जी 3 पॉलिसी पर उनका भी ट्रॉफी हो गया है और बाकी के साथियों का तो मैं नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये कंपटीशन ऑलरेडी खत्म हो गया है, तो अब तो मैं खैर उसका बैलेंस का आपको क्या बताऊँ। सो आगे चलते हैं, हमारा 4 नंबर पॉइंट है आईओई का लीडरशिप कोर्स हो रहा है 28, 29, 30, 31 जनवरी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस अहमदाबाद के पास में जादर है, रेजिडेंशियल है, वहीं पर रहने का अरेंजमेंट है, तो खैर बड़ा भारी भरकम इसका फीस है, 24,000 रुपए का फीस है, फिर भी बहुत सारे साथियों ने ज्वाइन कर लिया है। 5वां पॉइंट आज का हमारा है पहले दो फिर पाओ। दो तरह के एजेंट होते हैं, एक वो एजेंट होते हैं कि क्लाइंट के पास गए, अब जैसे थोड़ी देर पहले दिनेश जी बात कर रहे थे कि बात की भाई शुरू में शुरुआत एक चैलेंज है, शुरू में कस्टमर से पॉलिसी के बारे में बात कर पाना वो एक तकलीफ वाला काम है। अच्छा कई बार हमको ये भी लगता है मैं बात की शुरुआत कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, कई बार ना अच्छा मैंने ऐसे भी एजेंट देखे हैं वो क्या है वो सोचते रहते कैसे शुरुआत कैसे शुरुआत करूं और कैसे कैसे शुरुआत करूं के चक्कर में पता लगता है वो थोड़ी देर मिले जुले बात किया इधर उधर की दुनिया भर की बातें करी पॉलिसी की बात नहीं हो पाई। तो ऐसा हमको नहीं करना है, हमें ऐसे ऐसे डायलॉग लिखने जा रहे हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि हम इंश्योरेंस की बात कर सकें। यदि हमें अपने प्रोडक्ट के अंदर भरोसा नहीं होता है या तो हम अपने प्रोडक्ट से पूरी तरह से कन्विंस नहीं होते हैं तो कभी कभी हमें ये दिक्कत होती है कि हम कैसे बात करें। हमारे पास नरेंद्र पाल जी अभी यहाँ पर मौजूद हैं, तो नरेंद्र जी वेलकम, आप कुछ अपना शेयरिंग करना चाहेंगे, कुछ अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहेंगे, क्या क्या एक्टिविटी रहा आपका? गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, आवाज कम है आपका, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो आवाज मुझे लगता है शायद प्रॉपर आएगा। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग नरेंद्र जी, आवाज आ रहा है लेकिन थोड़ा कम है, थोड़ा सा पता नहीं क्या इशू है लेकिन आवाज मुझे लगता है या तो वॉल्यूम का बटन से आप अपना आवाज बढ़ाइए या तो कुछ इशू है, कुछ क्या इशू है पता नहीं, बताइए। आपका 98% आवाज तो नहीं आ रहा है, बाकी का 2-3% आ रहा है उससे हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि लीड आप लगाएंगे, आप अपने कानों में लीड लगाएंगे, वो जो तार होती है वो तार का इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपका आवाज ठीक से आ पाएगा। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, आपने तार का इस्तेमाल किया था तो आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आई थी, अदरवाइज आपकी आवाज बिल्कुल महीन महीन आ रही थी, बारीक बारीक से आ रही थी, पता नहीं क्या बात है, फोन में हेडसेट में इशू है या तो नेटवर्क में इशू है या तो क्या है पता नहीं, बताइए। आपके फोन से ना वो लीड जब तक लगाते नहीं तब तक गुजारा चलता नहीं है। जी जी बताए बस सर, थैंक यू सो मच सर, बताइए सर, आप बताइए सर क्या बता रहे हैं, आपका बताना चाहें कल का किसके किससे किससे मुलाकात हुआ, किससे बातचीत हुआ, किससे कॉन्टेक्ट हुआ, किस किस को फोन किया, किससे फॉलो अप हुआ, किसको हमने व्हाट्सएप पे पॉलिसी बेचने का कोशिश किया, किसको हमने फेसबुक टेलीग्राम ईमेल एसएमएस कोई पर्चा हमने बांटा, कोई डिस्प्ले फाइल हमने किसी को दिखाया, कोई भी एक्टिविटी हमने किया हो सेल सर। सर मैक्सिमम सर बात सर फोन भी किया सर कल, एक्चुअली सर बाहर नहीं जा पाए कल, सर फोन पे ही बातचीत हुई। फोन पे पैसे आ सकते हैं, फोन पे भी पैसा मंगा सकते हैं, फोन पे भी हम लोगों को बोलें पैसा भेज दो तो लोग पैसा भेज देते हैं। जी जी सर, उन्होंने आज बुलाया सर, उन्होंने आज एक्चुअली उनके पास जा रहा हूँ सर, मैं गाजियाबाद जाना के लिए पार्टी सर मेरी। जी जी सर, आज बुलाया उन्होंने, आज जा रहा हूँ।
बढ़िया, ऑल द बेस्ट, भगवान करे कि आपका पॉलिसी जो है जरूर सेल हो, ऑल द बेस्ट जी, थैंक यू। और कुछ बताना चाहेंगे, और कुछ बोलना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? अभी उतना माना आलू हवा चाहिए, बना हो जाए छोटा सा पर सर, जैसे सर आप बताएं सर, आपकी गाइडेंस सर काम चलता रहेगा, अच्छा चलेगा, आप बताइए सर क्या करना चाहते हैं? मैं तो खैर गाइडेंस क्या बात है, हम तो देखो इकट्ठे मिलजुल कर सब कोशिश करते हैं कि सब मिलजुल कर हम ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट करें कि सभी का पॉलिसी बिके, रोजाना हर किसी का पॉलिसी बिके। हम सुबह सुबह मिलने का हमारा एक ही मकसद है कि हर रोज सबका पॉलिसी बिकना चाहिए, उसके लिए हम कुछ ना कुछ कोशिश करें सुबह सुबह। आपको बहुत बहुत बधाई, आपका जो रिपब्लिक डे ट्रॉफी है अशोक स्तंभ वाला वो वाला क्वालिफाई हो चुका है, बहुत जल्दी आपको मिल भी जाएगा, और नया वाला जो गणेश जूसर वाला जो अवेलेबल है, चार पॉलिसी पे गणेश जूसर आपको मिल रहा है, तो 27, 28, 29, 30, 31 आप इसको क्वालिफाई करें, हो जाएगा सर, हो जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे, हमारा पांच नंबर पॉइंट है, पहले दो फिर पाओ। दो तरह के एजेंट होते हैं, क्या करते हैं कि पहले एजेंट होते हैं वो कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास धर्मेंद्र कुमार जी हैं, धर्मेंद्र कुमार जी का मैंने कई बार देखा है, वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं मैं किसी भी कस्टमर के पास जाता हूँ मैं खाली हाथ नहीं जाता हूँ, चाहे तो मैं एक किलो सेब ले गया, चाहे तो मैं एक बिस्कुट का पैकेट ले गया, चाहे तो मैं एक बुके ले गया, चाहे तो मैं एक 50, 100, 200, 250, या तो मैं चॉकलेट का पैकेट ले गया, मुझे पता है वहां बच्चे हैं, मैं 2-3 अच्छी चॉकलेट ले गया। कहते हैं क्या होता है कि हम कुछ देकर आते हैं ना, बदले में कुछ ना कुछ मिल भी जाता है। अच्छा मैंने ये देखा, अच्छा जापान के अंदर तो एक नियम है, जापान में क्या नियम है कि यदि कोई आदमी किसी के पास जाता है खाली हाथ, वो लोग उसको बहुत ज्यादा बुरा मानते हैं। हमारे यहाँ तो खैर नियम नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ LIC एजेंसी के अंदर तो ये बात है पक्का। हम कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। अब जैसे हमारे पंजाब सिंह जी है, वो क्या करते हैं, कहते हैं मैं अच्छे पेन रखता हूँ अपने ब्रीफकेस के अंदर, बैग के अंदर ना बढ़िया क्वालिटी के पेन रखता हूँ। भाई बढ़िया क्वालिटी का पेन, अब किसी के पास भी गए, देखा बच्चा है, बच्चे को दे दिया, बेटा इधर आओ, ये फर्स्ट आने वाला पेन है, आप इस पेन को रखो, ये वाला जो पेन से यदि आप एग्जाम दोगे तो आप क्लास के अंदर फर्स्ट आओगे, स्कूल के अंदर टॉप करोगे, ऐसा करके ना दे देते हैं। घर वालों को क्या लगता है, हमारे बारे में घर वालों को क्या लगता है, यार ये आदमी बहुत बढ़िया है। तो कुछ ना कुछ हम लेके जाए, बेशक हम कुछ भी लेके जाए, हम बेशक एक फूल लेके जाए, हम बाग में से बगीचे में से फूल लेकर चले जाए, लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को अच्छा अच्छा माहौल अच्छा क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हमने पॉलिसी बताई, कुछ भी बताया, लोगों को बहुत जल्दी समझ आता है सारी की सारी चीजें। आपने तो कोई इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कोई अपना एक्सपीरियंस या कोई अपना? हाँ जी, देखो देगा आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या रविराज जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं सर। अच्छा कुछ आपके यहाँ से कुछ आवाज आ रहा है, कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक है, बढ़िया। तो आगे के हमारे वॉइस ब्रेक, अभी जी ने लिखा है कि वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक मेरे को ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी साथियों को ऐसा लगता है कि वॉइस ब्रेक हो रही है, तो मेरे ख्याल से आप हाथ मिला के बता दें कोई वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, आपको लग रहा है क्या? नहीं नहीं हो रहा है, तो मेरे को और किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा वॉइस ब्रेक के ऊपर। का मतलब ये जो वॉइस ब्रेक का जो प्रॉब्लम है वो मनीष जी का उधर का लोकल प्रॉब्लम है, मनीष जी अपना थोड़ा सा लोकल उधर चेक करेंगे अपना कनेक्शन वगैरह, क्लास से चलो कल भाई क्लास नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल से यदि आप कुछ बोल रहे हैं तो अपना माइक ऑन कर देंगे तो बढ़िया रहेगा, है ना, अदरवाइज वो शोर में क्या होएगा कि सभी को डिस्टरबेंस होएगा। तो यदि आप बोल रहे हैं तो अपना माइक जरूर ऑन रखें, अदरवाइज नहीं बोल रहे तो माइक को ऑफ कर लें। हमारा छठा, हमारा जो पहला पॉइंट है, हमारा जो छठा पॉइंट है, वेरियस LIC प्लान, LIC के अलग अलग तरीके के प्लान एंड देयर स्पेशल बेनिफिट, इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। माधुरी दीक्षित एक बार स्टोर के अंदर गई,
और स्टोर के अंदर जाके उसने वहाँ पे लंदन में शूटिंग थी, तो शूटिंग के अंदर उसने वहाँ पर देखा भाई अब हमारे तो खैर रोज का काम है इस तरह का, ये सेलिब्रिटीज इनके पास आते रहते हैं और डायमंड्स खरीदते रहते हैं, तो वहाँ पर माधुरी दीक्षित ने वहाँ पे डायमंड्स देखे स्टोर के अंदर डायमंड के शोरूम में चले गए लंदन में। वहाँ पे जाके उसने देखा उसको हीरिंग का हार देखा, उसने सेल्समैन ने काफी देर तक बताया, एक सेल्समैन ने बताया, दूसरे सेल्समैन ने बताया, उसको पसंद नहीं आया, तो तकरीबन 9 साल बोला का हार था लेकिन उसको पसंद नहीं आया, वो शोरूम से जाने लगी। जब वो जाने लगी तो मेन गेट में वो जो शोरूम का मालिक था उसने हेलो किया, यस मैम आपको पसंद नहीं आया, तो कहती हाँ मुझे पसंद नहीं आया, मैंने आपको कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने देखा डिजाइन वगैरह ये डायमंड्स के हार वगैरह मैंने देखे लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। कहता मैडम यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, पसंद है बहुत बढ़िया चीज है। तो माधुरी दीक्षित ने कहा ठीक है आप दिखा दीजिए। उस के मालिक ने शोरूम के मालिक ने हीरों का हार निकाला, माधुरी दीक्षित पहली बार में पसंद आ गया। मेरा सवाल आपसे ये है कि सेल्समैन ने इतनी देर तक ढेर सारे हार दिखाए और माधुरी दीक्षित को पसंद नहीं आए, और ये जो शोरूम का मालिक एक ही बार में दिखाया और एक ही बार में इसको माधुरी दीक्षित को पसंद आ गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या कमाल हुआ, आप में से कोई साथी बताना चाहेंगे? कोई भी साथी बोलना चाहेंगे ऐसा क्या हुआ कि सेल्समैन ने हीरो का हार दिखाया जो किसी को पसंद नहीं आया लेकिन यहाँ पर जो शोरूम के मालिक ने दिखाया तो उसको पहली बार में पसंद आ गया, ऐसा क्यों? नहीं ओके तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। माधुरी दीक्षित ने जो मालिक था उसने भी मालिक को ये पूछा, कहती देखो जी आपका जो सेल्समैन है वो मुझे इतनी देर से हार बेचने की कोशिश कर रहा है और मुझे उसका पसंद नहीं आया, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आपने मुझे एक ही हार दिखाया और वही मुझे पसंद आ गया? तो मेरा जो सेल्समैन है उसको जो हार है हारों के बारे में उसको नॉलेज है, उसको नॉलेज बहुत है, वो नॉलेज है इस वजह से वो अपनी नौकरी के लिए काम करता है। मेरे को मैं जो है मैं हीरे को प्यार करता हूँ, मैं हीरे को प्यार करता हूँ, मैं हीरे को इतना प्यार करता हूँ मैं दिल से दिखाता हूँ, और जो भी चीज दिल से दिखाई जाती है वो लोगों को जरूर पसंद आती है। सो हमारे पास इसी तरह से LIC प्लान के बारे में है, एक एजेंट ने पॉलिसी दिखाया, पॉलिसी कस्टमर को पसंद नहीं आया, दूसरे ने दिखाया उसको पसंद आ गया, हम किसी एक प्लान के बारे में बात करेंगे, कौन सा वाला प्लान आप लेना चाहेंगे, हम उस प्लान के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। अलग अलग प्लान्स के बारे में हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि हमारी जो नॉलेज है अलग अलग तरीके के जो प्लान्स के बारे में हम उसको थोड़ा सा ब्रशअप कर सकें। सो आप बताएंगे कौन सा वाला प्लान की हम शुरुआत करें? आप में से कोई भी बताना चाहें कि हाँ किस प्लान की हम लोग शुरुआत करें, या तो प्लान अभी हम डिस्कस करें या करें, प्लान्स का डिस्कशन हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये हमारे पास लीडर का ऐप ओपन हो गया है और लीडर के ऐप के अंदर हमारे पास ये ढेर सारे प्लान्स अवेलेबल हैं, ये प्रीमियम कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया है। सो आप मुझे बताएं कौन सा वाला मैं शुरुआत करूं? सर जीवन लाभ बता दीजिए। जीवन लाभ के बारे में, जीवन लाभ के बारे में इनको बहुत बहुत बधाई हरिराम को, क्योंकि आज इन्होंने मेरे को सवेरे तकरीबन 1 घंटे पहले फोन किया, बताया 2 लाख का जीवन लाभ इन्होंने 51 की एज पे सेल कर लिया है। सो कंग्रेचुलेशन, सुबह सुबह इन्होंने अच्छी बात बताई। सो एज हम ले लेते हैं कोई ना कोई, आपकी स्क्रीन भी है लीडर का, ये स्क्रीन नजर आ रहा है? आ रहा है ना? आ रहा है आपकी। सो इसके अंदर एज लिखा हुआ है 8 साल से लेकर 59 साल तक, 8 साल से लेकर 59 साल तक का इसमें एज लिखा है। कौन सी एज हम ले चलें? कुछ भी करो सर। एज कितना डालें? 18 30 साल डालते हैं, तीन हमने एज डाला है। हमारे पास समय छोड़ का ऑप्शन है, प्रीमियम का ऑप्शन है, मैंने प्रीमियम का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। प्रीमियम का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद बस मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली अवेलेबल है। तो ये चारों में से कितने रुपए महीने का मैं बताऊं, कितने रुपए महीने का मैं बताऊं आपको? सर 5,000 रुपए महीने का। 5,000 रुपए महीना। हाँ जी 5,000। तो यहाँ पर हमें 5,000 मंथली हमने यहाँ से चूज कर लिया है, यहाँ इसको आगे बस 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, 16, 21, 25। कौन सा वाला हम लोग करें? सोलह इक्कीस पच्चीस, तो कौन सा वाला हम लेकर चलें?
हाँ जी, हमारे पास तीन ऑप्शन अवेलेबल हैं। 21 हमने यहाँ पर लिया, 21 के अंदर हमें 44 अवेलेबल है। यहाँ पर हमने सबसे पहले हमने सबमिट किया, सबमिट करके हमारी अवेलेबल हो गया 5,000 रुपये महीने का। ये हम दोबारा से एक बार सबमिट करेंगे इसको, ये 5,000 रुपये महीने का हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। पहले साल के अंदर 5,000 रुपये, सालों में 4,000 के हिसाब से पैसा जमा होगा, गारंटीड पैसा मिल रहा है। एक तो सम एश्योर्ड मिल रहा है 10,50,000 रुपये, बोनस जल बोनस हमारा टोटल मिला के जो टोटल इतने साल यहाँ पर लिखा है 21 सालों का टोटल हमारा टोटल अवेलेबल हो गया 9,70,200 रुपये। बस फाइनली 1,05,000 का बोनस मिलेगा जो कि 21 साल चली है। आप देखिए पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, मेच्योरिटी मिलेगी कस्टमर को 21,25,000 रुपए। आप बोल सकते हैं सर सिर्फ 5,000 रुपए महीना जमा करके या तो फिर 150 रुपए पर डे जमा करके 170 रुपए के आसपास आप पर डे यदि जमा करते हैं तो आपको 21,00,000 रुपए मिल जाते हैं, टैक्स फ्री मिल जाते हैं। आपको मिल रही है, समय शॉर्ट गारंटेड होता है 10,50,000, बोनस नॉन गारंटेड होता है लेकिन फिर भी आज के हिसाब से हम लगा के 70,200 रुपए बोनस, ये भी नॉन गारंटेड होता है लेकिन फिर भी फसल बढ़ता चला जा रहा है, बोनस भी बढ़ रहा है, एफए भी बढ़ रहा है, तो टोटल प्रीमियम सिर्फ 8,30,000 चल रहे हैं। शेयरिंग आप कर सकते हैं, नीचे शेयरिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, आप शेयर कर सकते हैं। नहीं तो वैसे तो आप सारे हमारे एक्सपर्ट पर आपको भेज देता हूं, मैं शेयर करके आपको मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। तो ये थोड़ा सा इसमें मैंने इस प्लान के बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कुछ बोलना है इस प्लान के बारे में? हेलो, हाँ कुछ हेलो कहना चाहते हैं इस प्लान के बारे में? जी जी सर, इसमें ही पूछ कर रहा हूँ आपसे सर, ये पीडब्ल्यू आवाज ब्रेक हो पा रहा है सर आपका? सर आवाज ब्रेक हो रहा है क्योंकि मैं रीजन बता देता हूँ आपको। आज ब्रेक होने का रीजन है कि एक ही बात में हम स्क्रीन शेयरिंग तो ब्रेक होने के बाद शायद आपको फिर भी काफी आवाज क्लियरली सुनाई दे रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करूँ। अब कुछ मैं अब कुछ ठीक हुआ, कुछ ठीक हुआ जी, ठीक हुआ कुछ सब कुछ अच्छा ठीक है भैया। स्क्रीन को थोड़ा सा करता हूँ मैं, इसको वापस आ जाता हूँ और वापस आके मैं इसको जरा यहाँ एक बारी पीडीएफ को मैंने तो हम लोग अच्छी तरीके से सही कोशिश कर लेते हैं। यहाँ से हमारा ये पीडीएफ इसके ओपन हो जाएगा और पीडीएफ को मेरे फिर से अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर लेंगे। ये हमारा पीडीएफ इसके अंदर हो गया है। वैसे तो आप रोजाना इसके अंदर बनाते हैं अलग अलग इलस्ट्रेशन, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो प्लान ये हमारा इसका पीडीएफ आ गया है, के अंदर ओपन हो, थोड़ा सा समय ले रहा है ये। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओपन ये नहीं हो पाया, नॉट ए प्रॉब्लम। हम को थोड़ा सा दोबारा से इसको खोलने का कोशिश करें कि नहीं करें, दोबारा से एक बारी खोलने का कोशिश करते हैं। वो बीच में अटक गया, बीच में ये ओपन नहीं हो पाया, तो दोबारा से एक बारी खोलने का कोशिश करते हैं। यदि ओपन हो जाता है तो हम इसको एक बारी समझ लें। यहाँ पर ये ओपन हो रहा है, ओपन होके हम एक बारी, वैसे तो आप इसको ऑलरेडी कई बारी बना चुके हैं, ऑलरेडी कई बारी आप इसको कैलकुलेशंस कर चुके हैं और आपको अच्छी तरीके से मालूम है इसको कैसे करना है। तो लेकिन ये थोड़ा सा समय ले रहा है। मेरे ख्याल से आप बनाएंगे अपने फोन से, आपको इतना ज्यादा समय शायद नहीं लगना चाहिए,
मुझे लगता है शायद साथ में जूम ओपन है तो शायद इस वजह से ये ज्यादा समय ले रहा है। खैर कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी ये ओपन हो चुका है, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करें। यहाँ पर इस तरह लिखा है 58,814 रुपए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है लिखा हुआ? आ रहा है बढ़िया। तो 30 साल की एज में 58,814 रुपए, आप कस्टमर को क्या बोल सकते हैं? भाई साहब ये देखिए, 5,000 रुपए महीना भरा, आपको 10,96,200 रुपए का गारंटी मिल गया, आपके परिवार को गारंटी मिल गया, इन केस ऑफ डेथ फैमिली को 10 लाख मिलेगा, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ 21 लाख मिलेगा, इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी, भगवान ना करे यदि हैंडीकैप हो जाते हैं, परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं, तो परिवार को मिलेगा कितना मिलेगा? एक तो आपका ये जो समशोड है नंबर वन, आपका ये जो समशोड इसके अंदर लिखा है 10,50,000 का, आपको सबसे पहले तो ये प्रीमियम जो है आपके वेव हो जाएंगे। आपके 8,64,000 का प्रीमियम है, आपके आने वाले जो 14 साल है उनका प्रीमियम वेव हो जाएगा, 8,00,000 ये मिलेगा, प्लस 21,00,000 का मेच्योरिटी मिलेगा, 8 और 1, 9, 29,00,000 रुपए मिलेगा, परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर 29,00,000 मिलेगा। इसी इसके अंदर साथ में लोन भी अवेलेबल है, आप लोन लेना चाहें, आप यदि कम से कम 2 साल का प्रीमियम भर देते हैं, सरेंडर वैल्यू लोन वैल्यू अवेलेबल है, आप बैंक में लिमिट भरवाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्लान के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, आप में से कोई भी? सर टर्म राइडर जो दिया हुआ, सर टर्म राइडर सीधा भी उम्र होती है क्या? टर्म राइडर क्या है, क्या होता है टर्म राइडर? सर टर्म राइडर की सुविधा इसमें है या है क्या? टर्म राइडर की सुविधा के अंदर है, बिल्कुल इसके अंदर अवेलेबल है। हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं आप, टर्म राइडर के अंदर बिल्कुल ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। तो हमारा समय एक्चुअली हो गया है, हम 3 मिनट ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं, फिलहाल हम इसको क्लोज करेंगे, अदरवाइज हम टर्म राइडर डिटेल में भी इसके अंदर डाल के और एक बार समझने की कोशिश कर लेते। आप इंडिविजुअली इसको बनाइए, बना के आप इसका इलस्ट्रेशन बनाने की कोशिश करिए, कोई भी चीज इसमें आपको यदि पूछने की जरूरत हो तो मेरे को आप पूछ लीजिए। आज आप यहाँ पर आए, आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, क्या क्या अच्छा लगा आपको? बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा आज के प्रोग्राम, अच्छा लगा। ठीक है बढ़िया, और कोई साथी कुछ कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? आप यहाँ पर आए, हर दिन आते हैं सर, थोड़ा सा अटेंशन अगर बना के रखे तो हर दिन कुछ नया सीख के चले जाते हैं, और आपने कहा भी था सीखना तो हमेशा चाहिए। हर दिन कुछ नया सीख के। अच्छा दूसरा एक और भी है जो आपको शायद इस वक्त में, चूंकि मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, नया कर रहा हूँ, तो हमारे को पग पग में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम पड़ जाती है, तो आपको भी असमंजस होता होगा, आप खीज होती होगी एक तरह के, ये बार 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 वही सवाल पूछ देता है ऐसा कुछ हमने, इसलिए मैं पूछता नहीं। आप ऐसा मत सोचिए, आप सवाल तुरंत पूछ डालिए, आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि असमंजस होगा, आप तुरंत मुझे फोन लगाइए, पूछ डालिए। हम सारे लोग यहाँ पर एक दूसरे की मदद करने के लिए हैं, और हम सारे के सारे लोग यहाँ पर यही चाहते हैं कि एक दूसरे का पॉलिसी जल्दी से जल्दी बिके। तो हमारे को बता दीजिए सर, आपने जो अभी जो पॉलिसी बनाया था, जो आपने निकाली थी, उसमें टर्म आपने 21 साल का रखा था आपने? जी हाँ। पीपीटी प्रीमियम पेमेंट टर्म जो 16 साल दिख रहा था, क्या मतलब डिफरेंस क्यों है? मैं आपको अलग से बता दूंगा, अलग से फोन पर हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो जूम का मीटिंग का 40 मिनट का लिमिट होता है, 39 मिनट हो चुके हैं, ये वाला मीटिंग खत्म होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली ये लोग कनेक्शन काट दें, तो इसके पहले तो हम ही लोग इसको कंप्लीट कर दें तो ज्यादा अच्छा है। उसके अंदर 15 साल का आपको प्रीमियम जमा कराना है, और 21 साल का बोनस आपको मिलेगा, आपको अगले 6 साल के लिए आपको प्रीमियम जमा नहीं कराना है इसके अंदर। आप जितनी मर्जी बार पूछिए।